गाइस, आपके आसपास आप लोगों ने सड़कें काले रंग की ही देखी होंगी, लेकिन पूरे विश्व में एक देश ऐसा है जहां पर सड़कें काले नहीं नीले रंग की हैं। वो देश है कतर, जहां की राजधानी दोहा में नीले रंग की सड़कें बनाई गई हैं। उसके पीछे का कारण है कतर की गर्मी। कतर एक बहुत गर्म देश है जहां पे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए नीले रंग की सड़कें बनाई गई हैं। और साइंटिस्ट लोगों का यह भी मानना है कि सड़कों को नीला करने से वहां पर 50% तक सन के रेडिएशन को कम किया जा सकता है। देखो, चाहे लॉजिक जो भी हो, नीले रंग की सड़कें फैसिनेटिंग तो जरूर। किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कर रहा खिलाड़ी उस गेम को किसी भी तरह से जीतना चाहता है, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी ये बात जानता है कि हार और जीत से भी इंपॉर्टेंट होती है खेल की भावना। कुछ ऐसा ही हुआ एक टेनिस के मैच में, जब टेनिस खेल रहे खिलाड़ी को अचानक से इंजरी आ गई तो उसके ओपोनेंट यानी कि उसके खिलाफ खेल रहा खिलाड़ी भागता हुआ बिना हिचकिचाहट के उसके पास आता है और उसकी मदद करने लगता है। ये देखकर सारे दर्शक उस खिलाड़ी के लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। देखिए इस वीडियो में। गाइज, इससे समझ में आता है कि किसी भी खेल में हार जीत से भी इंपॉर्टेंट होती है खेल की भावना, जिसे हमें मेंटेन करने की जरूरत होती है। दुनिया के सबसे साफ देशों की बात की जाए तो उसमें सिंगापुर सबसे ऊपर आता है। इसके पीछे का कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं। वहां पर गंदगी फैलाना एक संगीन अपराध माना जाता है और उसकी सजा आपको तुरंत ही मिल जाती है। और इसी वजह से वहां पर च्युइंगम चबाना भी अपराध माना जाता है। और अगर गलती से भी आप च्युइंगम चबाते वहां पर पकड़े गए तो आपको $2,000 यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर आपको 1 महीने जेल में बिताना पड़ेगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो इतना साफ सफाई वाला देश क्यों है। कोरोना के चक्कर में हम लोगों ने कुछ नया सीखा हो या ना सीखा हो, अंग्रेजी का एक नया शब्द जरूर सीखने को मिला और वो था क्वारंटाइन। पर सवाल यह है कि क्वारंटाइन शब्द एक्चुअली आया कहां से, उसका मतलब क्या था, तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब पूरी दुनिया प्लेग नामक बैक्टीरिया से जूझ रही थी तो उस टाइम पे इटली ने क्या किया, उसके वहां पर आने वाले जितने भी समंदर के जहाज थे उनको वो 40 दिनों तक समंदर में ही खड़ा रखते थे ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो 40 दिनों में वहीं पर खत्म हो जाए। और वहां की लोकल लैंग्वेज में 40 को क्वारंटा बोला जाता था, वहीं से ही क्वारंटाइन शब्द को निकाला गया। मान लो कि आप समंदर के बीचों बीच फंसे हो और प्यास की वजह से आपको समंदर का पानी पीना पड़ जाए तो आप सबसे पहले प्यास की वजह से ही मरोगे, क्योंकि समंदर का पानी आपको बहुत जल्दी डिहाइड्रेट भी कर देता है। कितनी अजीब बात है कि चारों तरफ पानी है फिर भी आपकी प्यास बुझी नहीं सकती। पर अगर आपको जमी हुई सी वाटर की आइस मिल जाए तो उसको खाने से शायद आपकी प्यास बुझ सकती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नमक बर्फ के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में फिट ही नहीं होता, इसीलिए बर्फ में पानी के मुकाबले मात्र 10% ही नमक रह जाता है जिससे आपकी प्यास बुझ सकती है।